शिवपुरी से भी एक बड़ी खबर मिली है, जहां बीजेपी प्रत्याशी जसवंत जाटव पर एफआईआर दर्ज की गई है। करेरा विधानसभा के प्रत्याशी हैं जसवंत जाटव। वायरल वीडियो मामले में उन पर एफआईआर हुई है। वीडियो में वोट नहीं देने पर धमकी का आरोप दिख रहा है साफ तौर पर। ये वीडियो वायरल हुआ है। बीजेपी के प्रत्याशी हैं जसवंत जाटव, जिन पर एफआईआर हो गई है। करेरा विधानसभा के प्रत्याशी हैं। वायरल वीडियो मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। वीडियो में वोट नहीं देने पर धमकी का बीजेपी प्रत्याशी पर आरोप है और इसी आधार पर उन पर एफआईआर हुई है। शिवपुरी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी प्रत्याशी जसवंत जाटव पर एफआईआर दर्ज की गई है। करेरा विधानसभा के प्रत्याशी हैं जसवंत जाटव। वायरल वीडियो मामले में उन पर एफआईआर हुई है। वीरेंद्र हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हैं। वीरेंद्र, किस वजह से एफआईआर हुई है और आगे अब क्या होगा? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा, ये बीते रोज का ये वीडियो है, जिसमें एक वीडियो में दिख रहे हैं कि जो कि करेरा से भाजपा के प्रत्याशी हैं जसवंत जाटव, वह माता जो कि नवदुर्गा माता बैठती हैं उस पर बैठाने के नाम पर 10,000 रुपए देने को कह रहे हैं कि मैं 10,000 रुपए दूंगा और माता रानी की मूर्ति की स्थापना आप कराइए। साथ ही उसके बाद में उनका एक और जो शब्द है वो सुनाई दे रहे हैं, जिसमें वह कहते हुए दिख रहे हैं और सुनाई दे रहे हैं कि यदि आपने मुझे वोट नहीं दिया तो मैं आपका गला दबा दूंगा। तो ये दोनों धमकी भी दे रहे हैं और लालच भी दे रहे हैं, तो इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि अब आगे की कार्रवाई पुलिस करेगी। पुलिस कह रही है कि इसमें हम बिल्कुल निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करेंगे और जो भी दोषी होगा या जो भी सामने आएगा उस पर कार्रवाई होगी। जी चलिए वीरेंद्र, इस जानकारी का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो विधानसभा उपचुनाव के बीच लगातार खबरें, और इस बीच बीजेपी के प्रत्याशी पर एफआईआर की खबर शिवपुरी से।